हाँ सर, तो हमने दो टाइप की वेव देखी थी, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव, है ना। बेसिकली अब हम पूरा डिटेल में वेव का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। सो बेसिकली वेव्स को टू वेज में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, कि मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग मीडियम पार्टिकल्स। ठीक है। सो ये वाले दो, इसके हिसाब से दो टाइप्स की वेव होती है, हमने कल देख ही लिया था। कौन कौन सी होती है? ट्रांसवर्स वेव एंड सेकंड बोलो ना, लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, है ना। ट्रांसवर्स वेव कौन सी थी, हमने डेफिनेशन डिफाइन किया था कल। Those waves in which direction of vibration, direction of vibration of particle are perpendicular to the direction of propagation of wave, उनको बोलते हैं transverse wave, है ना। Longitudinal waves क्या होती है? Those waves in which direction of vibration of particle are along the direction of propagation of waves, ठीक है। So यहाँ हम examples लिख देते हैं एक बार। Transverse wave जैसे होती है water wave, second string wave, ठीक है, ये होती है साउंड वेव्स, है ना। एक और होती है वेव स्प्रिंग, उसमें आप ट्रांसवर्स वेव भी बना सकते हो और लॉन्जिट्यूडनल भी बना सकते हो। कैसे अभी बता दो, स्प्रिंग वेव का आप दोनों के एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। ये एक स्प्रिंग है ना, अगर ये जो मैन है इसको पकड़ के ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जर्क देगा, ऐसे ऐसे पकड़ के, तो इसमें ऐसी वेव बनेगी, ऐसी, है ना, कुछ इस तरह की बनेगी। ये कौन सी है, अगर ये ऐसे ऐसे जर्क देगा, ये कौन सी वेव है? ये तो ट्रांसवर्स है कि नहीं है? Yes. और अगर इसी स्प्रिंग को ये ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे, पहले वाले में कैसे जर्क दिया था, ऊपर नीचे, अब कैसे देगा, ऐसे, समझ में आ रहा है ना। ऐसे पकड़ के हाथों से इधर खींचेगा, फिर उधर दबाएगा, फिर इधर खींचेगा, फिर दबाएगा, एक्सटेंड करेगा, कंप्रेस करेगा, एक्सटेंड करेगा, कंप्रेस करेगा, समझ में आया क्या? यस सर। तो इसमें इसमें क्या होगा, कहीं कहीं पे इसके जो ये रिंग्स है ये बहुत पास आ जाएंगे, कहीं बहुत दूर हो जाएंगे, फिर कहीं बहुत पास आ जाएंगे, फिर कहीं बहुत दूर हो जाएंगे, फिर कहीं पे बहुत पास आ जाएंगे, समझ में आया क्या? तो इस तरह की वेव को, जहां पर कुछ रिंग्स बहुत पास में आ जाते हैं, फिर कुछ बहुत दूर, फिर कुछ पास,
तो फिर ये आके ट्रेवल करेंगे, ये पास वाले फिर यहाँ आ जाएंगे और ये दूर वाले यहाँ आ जाएंगे, ये पास वाला यहाँ आ जाएगा और ये दूर वाला यहाँ आ जाएगा, इस तरह से इसमें वेव बनेगी। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये जब ये बहुत पास आ जाते हैं इसको बोलते हैं कंप्रेशन, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। जब बहुत दूर हो जाते हैं, ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन, तो ये कौन सी वेव है? ये लॉन्जिट्यूडनल वेव। समझ में आया? समझ में आया? इसमें पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं सारे, ऐसे ऐसे है ना, और वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो ऐसी वेव जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, उसको क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूडनल वेव। और ये कौन सी है? ये ट्रांसवर्स वेव। समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So, इसलिए मैंने दोनों जगह स्प्रिंग वेव लिखा, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, दो तरह की वेव्स होती है, मैकेनिकल वेव्स नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। सो मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। जैसे मुझे बताओ वाटर वेव, क्या वाटर वेव को वाटर की रिक्वायरमेंट है? तभी तो वाटर वेव बनेगी। केस्ट्री वेव को, स्ट्रिंग वेव को स्ट्रिंग मीडियम की रिक्वायरमेंट है, तभी तो बनेगी स्प्रिंग वेव। साउंड वेव, क्या साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है? नहीं, साउंड वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये मान लो मैं अगर इस ड्रम को हिट करता और यहाँ बीच में वैक्यूम होता तो मुझे सुनाई देता क्या? नहीं सर। नहीं, क्योंकि इसका ड्रम का वाइब्रेशन यहाँ से इसके कानों तक कौन लेके आया? एयर के पार्टिकल। पार्टिकल इसके एयर के ड्रम, एयर के ड्रम को किसने वाइब्रेट किया? एयर के पार्टिकल्स ने। अगर एयर के पार्टिकल्स नहीं है तो एयर का ड्रम वाइब्रेट ही नहीं होगा, तो सुनाई कैसे देगा? समझ में आया? यस सर। तो ऐसी वेव जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट, दोज वेव व्हिच रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल टू प्रोपोगेट आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव। समझ में आया? Yes, और जिनको नहीं होती है रिक्वायरमेंट, डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव। सो दोनों के एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल नंबर वन साउंड वेव, सेकंड वाटर वेव, थर्ड स्ट्रिंग वेव, फोर्थ स्प्रिंग वेव। समझ में आ रहा है ना? इसके एग्जांपल्स लाइट, लाइट सन से आती है, बीच में वैक्यूम होता है तो भी ट्रेवल करके आती है, आती कि नहीं आती है? यस सर। यूवी रेस, एक्स रेस, ये सब को मीडियम की जरूरत नहीं होती है, बिना मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है। इंफ्रारेड, ये सब क्या होती है? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। आया समझ में? अब जैसे साउंड वेव, इन दोनों में से कौन सी है? लॉन्जिट्यूडनल है। वाटर वेव कौन सी है? ट्रांसवर्स है। स्ट्रिंग कौन सी है? ट्रांसवर्स है। स्प्रिंग कौन सी है? स्प्रिंग दोनों बन सकती है। वैसे ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ये सब ट्रांसवर्स होती है। सब क्या होती है? तो यहाँ मैं फोर्थ लिख देता हूँ, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शॉर्ट में लिख देता हूँ ऑल
और वो सारी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती वो सब क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है। समझ में आया? यस सर। लिखो इन्वेस्ट करें इससे। सर डन डन सबने लिखे सर। दो मिनट सर। सर दो मिनट सर। वो नॉन मैकेनिकल वेव्स में इंफ्रा रेज है ना? क्या नॉन मैकेनिकल में लास्ट वाला क्या लिखा आपने? वेव्स मतलब सर एग्जांपल में लिखा लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड। ओके सर। आवाज आ रही है, म्यूट हो जाओ। लिख लिया? डन। यस सर। सो देर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। ये ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट है। क्या डिफरेंस है दोनों में? मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम, नॉन मैकेनिकल वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम, है ना? इनके एग्जांपल्स ध्यान है सबको? यस सर। ठीक है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, ऐसी वेव्स जिनमें वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर होता है टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, उनको बोलते हैं ट्रांसवर्स। और जिसमें अलोंग होता है, लिखवाया था ना लास्ट क्लास में, ठीक है, उनको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। आया समझ में? यस सर। अभी जो ट्रांसवर्स वेव होती है ये इस तरह की होती है, चाहे स्ट्रिंग वेव हो वाटर वेव हो, है ना? तो इसमें क्या बनते हैं ये? इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ, है ना? जैसे यहाँ पर ये क्रेस्ट था, ये ट्रफ था, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट को हम बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इसका सिंबल होता है लैम्ब्डा, ठीक है। एंड ट्रांसवर्स वेव
मूव इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, कैसे मूव करती है? क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में, समझ में आया? वैसे ही लॉन्जिट्यूडनल वेव्स ये मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। सी क्या है? कंप्रेशन। यहाँ पे सी क्या है? कंप्रेशन। यहाँ पे सी क्या है? क्रेस्ट। टी क्या है? ट्रफ। क्रेस्ट है हाईएस्ट पॉइंट, ट्रफ है लोवेस्ट पॉइंट, समझ में आया? यस सर। कंप्रेशन क्या है? द रीजन ऑफ हाईएस्ट हाईएस्ट डेंसिटी एंड प्रेशर, जहां पर हाईएस्ट डेंसिटी हो या प्रेशर उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। जैसे यहां पर है ना, बहुत पास पास आ गया यहाँ पे पार्टिकल, आया समझ में? रेयरफैक्शन क्या है? द रीजन ऑफ मिनिमम डेंसिटी एंड प्रेशर, है ना? और लॉन्जिट्यूडनल वेव में भी दो कंटिन्यूस कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, इसका सिंबल होता है लैम्ब्डा। दो कंटिन्यूस कंप्रेशन बोल दो या दो कंटिन्यूस रिफ्रेक्शन रेयरफैक्शन बोल दो, समझ में आया? यस सर। लिख लो, तो वो डायग्राम भी बना। हाँ पूरा लिख। मिलान डॉक्टर होते कौन? क्या बोल रहे हो? लिख लिया? यस यस। Yes sir, done. Yes sir. ठीक है, so, इसके आगे next class में देखते हैं। So classification और introduction of waves, सबको समझ में आ गया? Yes sir. Yes sir. ठीक है, so next class में इसमें और आगे पढ़ेंगे। ठीक है sir. Thank you sir. Bye sir. Bye. Bye sir. Thank you.